नमस्कार दोस्तों, आज जो हमारी वीडियो है ये हम वीडियो बना रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने बॉसे सिक्किम में एडमिशन लिया हुआ है। जैसा कि आप जानते होंगे, बॉसे सिक्किम बोर्ड ऑफ ओपन स्कूल स्किल एजुकेशन के नाम से है और सिक्किम का बोर्ड है, ओपन बोर्ड है, ठीक है। रिसेंटली हमें पता चला है कि इसे गवर्नमेंट ने भी पूरी तरह से रिकॉग्नाइज कर दिया है, नए ओपन बोर्ड्स में भी इसका नाम आ चुका है। वो लिस्ट आप नेट पे जाके चेक कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू आप जान सकते हैं। ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी पेरेंट्स की, बच्चों की आई थी कि वो अपनी लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं या उन्हें ये आइडिया नहीं है कि किताबें कहाँ अवेलेबल हैं, क्योंकि हार्ड कॉपीज तो बहुत लोगों ने मंगाई नहीं है, या कि एग्जाम्स कैसे होंगे, कैसे प्रैक्टिकल्स होगा, या किस तरह से हम अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी आज की वीडियो है उन बच्चों के लिए जिन्होंने बॉसे सिक्किम में एडमिशन लिया है या लेने का प्लान कर रहे हैं। आप जानते होंगे हमारी लर्निंग स्किल की टीम बहुत सिंसियर है चीजों को कवर करने के लिए, तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो हमारी टीम से या जो भी आपके रिप्रेजेंटेटिव हो उनसे प्लीज बात करिएगा, ठीक है। तो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आप लोग सर्च करेंगे बॉसे सिक्किम। याद रखिएगा, मेरी यही रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि आप प्लीज लैपटॉप या डेस्कटॉप को ही यूज करें आपकी पढ़ाई के लिए और आपकी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप मोबाइल से करते हैं तो मोबाइल में नेट इश्यू होता है, कॉल्स आती हैं, काफी डिस्टर्बेंस, कुछ फाइलें वहाँ पे अच्छी नहीं होती खोलने में क्योंकि वो कॉम्पैक्ट नहीं होती उस मोबाइल के हिसाब से, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन पे। आप यहाँ क्लिक करते हैं इसे तो यहाँ पे हमारा बॉसे का पेज खुल जाता है। आपको यहाँ पे नोटिस भी मिलेगा जिसमें असाइनमेंट को रिलेटेड जो भी आपके गाइडलाइंस है वो सब आपको रिलीज होता है। इसी तरह से आपके एग्जाम का भी नोटिफिकेशन आता है, प्रैक्टिकल का भी आता है, ठीक है। उम्मीद है आप सबको प्रैक्टिकल की डेट शीट मिल चुकी होगी, और अगर नहीं मिली है तो प्लीज अपने रिप्रेजेंटेटिव से कॉन्टेक्ट करें एंड उनसे अपनी डेट शीट मंगाएं। आप ये देखिए, ये पूरी वेबसाइट है, इसको आप गौर से देखते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, तो इसमें एडमिट कार्ड नंबर, स्टूडेंट कैरी, स्टूडेंट स्टडी सेंटर, डाउनलोड्स एंड ऑल है। हम इस पूरी वेबसाइट को आप देख सकते हैं नीचे से लेकर ऊपर तक। यहाँ पे इनके रिकॉग्निशन इस तरह से जो आया है, ये चीजें हैं कि बोर्ड कैसे बना है, ये इनके नीचे काफी अवेयरनेस प्रोग्राम्स है, यहाँ पे आपके लिंक्स हैं, क्विक लिंक्स हैं, ठीक है। अगर आप ऊपर जाते हैं, हमने बात करी थी स्टूडेंट्स के लिए, तो हमें स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे स्टूडेंट जोन में जाना है, याद रखिएगा इस वाले सेक्शन में, स्टूडेंट जोन में, ठीक। हम जब इसे क्लिक करेंगे तो हमारी विंडो खुलेगी जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर सब एक ही है बॉसे में, अलग अलग नहीं है। तो जिन भी स्टूडेंट ने अपनी फीस दी है, जिन भी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, उन सबको अब तक एनरोलमेंट नंबर मिल गया होगा। हम एग्जाम से एक महीने पहले हैं, डेट अभी अनाउंस नहीं हुई, तो हम अंदाजन एक महीने पहले की बात कर रहे हैं। तो आप सबको एनरोलमेंट नंबर मिल चुका होगा क्योंकि एग्जाम से एक महीने पहले आपके पैनल्स या जो भी लॉगिन्स हैं वो बंद हो चुकी होती हैं एडमिशन प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब हम इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर हम डालते हैं। ये हमारे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये हमारे स्टूडेंट है कार्तिक रावत जी, तो इनकी डेट ऑफ बर्थ हम डालते हैं। याद रखिएगा डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट ये है, यानी सबसे पहले आपका दिन डेट क्या है, दूसरा महीना मंथ, तीसरा साल यानी ईयर। यानी सबसे पहले आप डेट डालेंगे, अगर आपकी डेट 10 है तो 10 है, अगर 10 है तो 10 है, अगर 1 है तो 01 लगेगा। इसी तरह से मंथ में होगा, अगर 11 है तो 11 लगेगा, लेकिन अगर 7 है तो 07 लगेगा। और ईयर आपको पूरा लिखना है, यानी 2005 है तो 2005, 7 है तो 2007, 1990 है तो 1990, इस तरह से लगेगा। उसके बाद आप साइन इन करते हैं, साइन इन करते ही स्टूडेंट की प्रोफाइल खुल जाती है कि इनके क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या इन्होंने करा हुआ है। इनका जो है कार्तिक रावत जी का 12th है सेशन या मेंशन है, उनके उनका नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ विमल रावत, पुष्पा रावत उनके मदर फादर का नाम, कैटेगरी एंड ऑल। उसके बाद इनके सब्जेक्ट यहाँ मेंशन, इसी तरह से आप लोगों के भी मेंशन होंगे। ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी करेक्शन है तो आप प्लीज हमें बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये डैशबोर्ड खुलता है, उसके बाद हम इनके आई कार्ड पे जाते हैं, तो यहाँ पे इनका आई कार्ड आता है, यानी जिन भी बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिन भी बच्चों को एनरोलमेंट नंबर मिल चुका है, उनका आई कार्ड आ चुका होगा, ठीक।
इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे असाइनमेंट गाइडलाइंस यानी जो भी है यहाँ से शुरू होता है आपका मेन इन्फॉर्मेशन में। यहाँ पे असाइनमेंट गाइडलाइंस है कि असाइनमेंट्स की गाइडलाइंस क्या है, दिशा निर्देश जिसे हम बोलते हैं। जैसे आप पढ़ेंगे तो असाइनमेंट शैल बी कंप्राइज ऑफ 20 मार्क्स यानी एक असाइनमेंट आपका 20 नंबर का है। असाइनमेंट टॉपिक विल बी डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट पैनल यानी आपके पैनल पे ही असाइनमेंट्स के जो टॉपिक्स है वो शो हो रखे होंगे। इसी तरह से पूरा है 250 से 300 वर्ड के बीच में असाइनमेंट होता है, यहाँ पे 500 है कोई दिक्कत नहीं। एंड ये स्ट्रिक्टली हैंड रिटन होना चाहिए यानी हाथ से लिखा होना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा यहाँ पे। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी, क्योंकि आप फेल भी हो सकते हैं। मार्क्स विल बी एलोकेटेड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द असाइनमेंट, ठीक है, जिस तरह से आपने बनाया उस बेसिस पे। ये डेट्स हैं, पैनल पे 5 तारीख को आया था, सबमिट हमें 15 तारीख को करना था, बट वो अभी टाइम है, हम कर सकते हैं उस चीज को। नो असाइनमेंट विल बी एक्सेप्टेड, उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है, ये हमारा हो चुका है। चलो इसके बाद अगर हम बैक करते हैं, अगर हम इसे बंद करें तो आप देखेंगे इसी भी आपके असाइनमेंट टॉपिक्स हैं। असाइनमेंट टॉपिक यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, लाइक हिंदी के हैं तो ये आपका पीडीएफ पेज खुलेगा इसी के, इस क्वेश्चन को लाइक विभिन्न संचार माध्यमों से किन्हीं दो माध्यमों की विशेषताओं का अपना शब्दों अपने शब्दों में उल्लेख कीजिए। ये आप A4 शीट पे लाइन वाली या प्लेन किसी पे भी अपने हाथ से ही लिख के आंसर देंगे, ठीक है। इसी तरह से आप इंग्लिश का करेंगे, हिंदी का करेंगे, जो भी असाइनमेंट है करेंगे। उसके बाद आता है अपलोड असाइनमेंट यानी जो भी आपने A4 शीट पे बनाया है, लाइनिंग वाली शीट पे बनाया है, उसको आप फोटो खींच के PDF में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। फोटो खींच के PDF में करेंगे क्योंकि यहाँ भी लिखा हुआ है JPG, या तो आप WhatsApp में भेज डाल सकते हैं या PDF डालेंगे, लेकिन JPG या PDF में फर्क क्या है कि PDF थोड़ा साफ होता है, उसमें ब्लर होके पिक्चर फटती नहीं। अगर हैंड राइटिंग खराब है तो वो थोड़ी सी एडजस्टेबल हो जाती है, ठीक है। वाइल JPG सिंपल पिक्चर होती है, कई बार ब्लर इमेज हो जाती है तो कैमरा उसको अच्छी क्वालिटी में नहीं कर पाता, उससे आपके स्कोर पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम जाएं तो प्रैक्टिकल्स की गाइडलाइंस यहाँ पे हैं, दिशा निर्देश हमारे अवेलेबल है कि ये कैसे कैसे है। आई कार्ड विल बी देख इस तरह से रहेगा आपका, ये देखिए ये इसकी आपकी एग्जाम प्रैक्टिकल डेट शीट्स हैं, ठीक है, कि किस डेट पे कौन सा प्रैक्टिकल है। इसकी MIT टीम आपसे बात कर चुकी होगी, ये देखिए किस तरह से है, ये पूरी गाइडलाइंस है कि किस तरह प्रैक्टिकल रहेगा स्टेप बाई, ठीक। उसके बाद आप आएंगे ये क्लास सेकेंडरी के लिए है, सीनियर सेकेंडरी के लिए ये है प्रैक्टिकल्स के लिए क्या है, ये सब्जेक्ट वाइज है, केमिस्ट्री का क्या है, किस तरह से फिजिक्स का है, बायो का है, जिनके भी प्रैक्टिकल्स आते हैं, ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया, अब इसके बाद हम इसे बंद करते हैं। ये हमारा एग्जामिनेशन पार्ट यानी आपका असाइनमेंट गाइडलाइंस, असाइनमेंट टॉपिक, अपलोड असाइनमेंट, प्रैक्टिकल। इसी तरह से एडमिट कार्ड भी आपका आएगा, ठीक है, तो जो वो आएगा वो आपको अपडेट हो जाएगा। बुक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, केमिस्ट्री की किताब यहाँ पे शो हो रही है, इसी तरह से आपकी भी दिख रही होंगी। बुक्स अगर कम है तो यहाँ पे आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो वीडियोज में आपको देखिए यहाँ पे वीडियो, अच्छा ये आपके चैप्टर वाइज बॉसे की तरफ से ही वीडियो शेयर हो रखी है, इसमें किसी थर्ड पार्टी को यूज करा नहीं गया है। तो ये वीडियो स्पेशली ट्रेंड फैकल्टीज के थ्रू, स्पेशली ट्रेंड या आप कहेंगे निपुण, जिन्होंने टीचरों ने BEd MEd कर रखी है, उनके द्वारा ही बनाई गई है। ये सब सरकारी अध्यापक होते हैं जिनको ये अलाउ होता है, ठीक है। तो इसमें हम हिंदी के लिए क्लिक करते हैं, मैंने इसलिए लैपटॉप आपको बोला क्योंकि वीडियोज जब खुलती है तो आपको समझने में आसानी रहेगी। सपोज करिए हम खोलते हैं, लेट्स अज्यूम इट, इनके ये चैप्टर्स हैं, ठीक है। चैप्टर अगर हम करें ये इनके चैप्टर वाइज, हम सबसे लास्ट वाला खोलते हैं, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी वीडियो आ गई। इस तरह से आप देखेंगे जैसे कि देखा कि हमारी वीडियोज आ गई है। वीडियोज के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर टॉपिक के हिसाब से वीडियोज है। इसके बाद अगर आप क्लिक करेंगे, हम बुक्स देख चुके हैं, वीडियोज देख चुके हैं, अदर रिसोर्सेज वगैरह आप, तो हमारी किताबें यहाँ भी अवेलेबल है, लाइक मैथ्स की है तो इन वीडियोज को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड के लिए आप ये वाला बटन दबाएंगे तो ये डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आप इसे सेव करें। फर्दर स्टडीज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए कोई भी अगर आपसे मदद चाहता है बुक्स के नाम पे, तो ये बुक्स उनके लिए है, ठीक है। इसके बाद अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हमारा नोटिस है, यहाँ पे रिजल्ट आता है, यहीं पे आपका एडमिट कार्ड भी आएगा, ध्यान रखिएगा। अभी तक जैसे एग्जामिनेशन में ये प्रैक्टिकल गाइडलाइंस है, ऐसे एडमिट कार्ड भी आता है, वो आपको समय अनुसार बता दिया जाएगा। अगर फिर भी कोई आपके मन में मंशा रहती है, कोई डाउट रहता है, किसी तरह का संदेह रहता है,
तो आप हमारी लर्निंग स्किल की टीम से बेझिझक होके बात कर सकते हैं, या हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे बात कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि प्लीज आप हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा, एक नहीं दो नहीं तीन चार बार देखिए, जहां भी आपको डाउट है। मैंने ट्राई करा है कि आपको कोई भी मतलब डाउट ना रहे माइंड में, बट अगर फिर भी आता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं, ठीक है। आप प्लीज थोड़ा सब्र रख के लैपटॉप और डेस्कटॉप के थ्रू ही लॉग इन करिएगा, क्योंकि मोबाइल में काफ़ी डिस्टर्बेंस होती हैं, नेटवर्क इश्यूज होते हैं, कॉल्स आती जाती रहती हैं, तो बच्चों को दिक्कतें रहेंगी। प्लस आप कोई फाइल सेव नहीं कर सकते पढ़ने के लिए, डेस्कटॉप या लैपटॉप पे आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, कोई भी अगर डाउट होता है तो हम अवेलेबल हैं आपके लिए, लर्निंग स्किल की टीम, एंड किसी भी तरह के डाउट के लिए आप हमें कॉल करें। धन्यवाद।